तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बात करते हैं आज की वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपका लास्ट सेट आज का 23 सितंबर, जो कि लास्ट शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, तो उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, विद डिटेल्स सॉल्यूशन, जितने हमें क्वेश्चन पता चले। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन बच गए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या आपको कहीं से पता चले हो। गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो आ जाए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, ये पूछा गया था, जिसका आंसर चार दिखा रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्ला या हकीम अजमल खान। तो डिपेंड करता है आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में कौन सा उसमें आंसर आया होगा आपका। ठीक है, तो जिन इन चारों में से अगर जो भी होगा तो आप एक आंसर उसमें मार सकते हैं गाइस। देखिए, आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, आप डिफेंस वाले हो, 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, गणेश, वासुदेव, मावलंकर। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। उसके बाद सर्कल, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, लिमिट से, इन सब से भी एक एक क्वेश्चन आ रहा है गाइस, तो मैंने आपको बता दिया है ताकि आप कल एग्ज़ाम दोगे तो इनकी अच्छे से तैयारी कर लोगे। हाफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड से एक क्वेश्चन, ये आज मैंने आपको बताया था दिन की शिफ्ट में भी और सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था इससे, तो इसे अच्छे से तैयार करके जाना। हाफ लाइफ बहुत ईजी टॉपिक है, बस उसमें एक फॉर्मूले का खेल है, बाकी न्यूमेरिकल का खेल है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन पूछा था, एंगल ऑफ डेविएशन का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसका भी तो ये भी अच्छे से देख लेना। एंगल ऑफ डेविएशन आपको ऑप्टिक्स में मिल जाएगा टेल करके, ठीक है गाइस। उसके बाद रोम, रोम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, रीड ओनली मेमोरीज की सिंपल सी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उसके बाद एफिर्म का अपोजिट पूछा था, यानी कि एंटोनियम, इसका जो मतलब होता है दावे से कहना कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इसका अपोजिट आप मार सकते हैं गाइज। रिस्पाइट, रिस्पाइट का सिनोनियम, रिस्पाइट का मतलब जो होता है राहत या मेहन मोहलत, ठीक है, तो राहत या मोहलत मांगना, ये रिस्पाइट होता है, इसका सिनोनियम आपको बताना था। बाकी देखिए, ब्रास इज़ द अलॉय ऑफ विच एलिमेंट्स, तो ब्रास किस चीज़ से मिलके बनता है, किस धातु से मिलके बनता है, पीतल, ठीक है, तो वो है कॉपर एंड जिंक से। नेक्स्ट पूछा था फिजिक्स का क्वेश्चन, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, और ये जो इक्वल होता है 1 टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। आई होप आप लोगों को पता होगा ये सब चीज़, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, प्लेस वेयर वेपन्स स्टोर, वन वर्ड आया था, इसे बोलते हैं हम आर्सनल, जहाँ पर जो है वेपन्स रखे जाते हैं, ठीक है, वो आर्सनल होता है। बाकी फिगर से हर बार की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 क्वेश्चन इस बार फिक्स है, फिगर से 100% आएंगे ही आएंगे, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड थी ये, ठीक है, पता नहीं ऑप्शन में क्या आया था मेरे हिसाब से, क्या बताना था आपको, ठीक है, पर मैंने आपको इसका पूरा बायोडाटा बता दूंगा आपको मैं। देखिए, ये जो है नेटवर्क है, हाईवे का नेटवर्क है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना, जो कनेक्ट करता है 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, मेनली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को कनेक्ट करता है। तो याद रखना आप, बिल्कुल अगर ऑप्शन मिलेगा आपको 4 तो डेफिनेटली आप टिक मार दोगे, मैंने आपको बता दिया है गाइज। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन पूछी थी, तो इसका जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप सबको बताओगा, स्टेट डैट जब नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तो एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन है। बाकी ऑप्शन में क्या है वो डिपेंड करता है, पर मैंने आपको बता दिया है, इसके बावजूद अगर आपका कोई ऑप्शन मिले तो आप डेफिनेटली टिक मार दोगे, ठीक है गाइज। एक क्वेश्चन कुछ हिसाब से आया था गाइस, पावर दिया था आपको 3t² + 2t + 1, अब ये सही है या गलत है मैं कह नहीं सकता, पर जितना मुझे पता चले तो इससे आप रिलेटेड इससे एक बार तैयारी कर लेना है इसकी, ठीक है गाइस। तो व्हाट इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, में क्या चेंज होगा t = 2 सेकंड, t = 4 सेकंड पे, ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताना है सही है क्वेश्चन क्या, इस प्रकार से आया था आपका इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए, sin 30 cos 60 का हमें रिलेशन बताना था, बस इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, sin 30 बताया हाफ होता है, cos 60 भी हाफ होता है, हाफ माइनस हाफ 0, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर था इसका। उसके बाद देखिए, साउंड कौन सी वेव है, तो हमें बताना था साउंड कौन सी वेव है, तो साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जो वाइब्रेट करती है अंडर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करके चलती है। तो ऐसे मेरे हिसाब से जहाँ तक ये आपको ऑप्शन दिए होगी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव दिया होगा, ट्रांसवर्स वेव दिया होगा, कई टाइप की वेव दी होगी, तो जो साउंड वेव होती है याद रखना लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है, तो वाइब्रेट करती है ये इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जहाँ पर वो ट्रेवल कर रही है। मिलेनियम, मिलेनियम का वन करेक्ट वर्ड पूछा था, जो कि यही राइट है।
ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। रोरकेला स्टील प्लांट वॉज एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, यानी कि रोरकेला जो स्टील प्लांट था वो किस कंट्री की हेल्प से जो है एस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। तो याद रखना वो वेस्ट जर्मन है, यानी कि बेसिकली जर्मनी की मदद से, ठीक है, जो जर्मनी ने इसमें हेल्प करी थी। बाकी एक क्वेश्चन आया था सडनली, आपको दिया था सडनली, मैं आपको चार ऑप्शन देते हैं, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, क्या है, ठीक है। तो याद रखना सडनली एक एडवर्ब है। आपको किस तरह से पहचानना है मैंने आपको पहले भी बताया है, सेंटेंस बना दो। जैसे हम कह सकते हैं ही केम हेयर, ठीक है, ही केम हेयर, वो हो गया हम, ही केम हेयर आ गया, ठीक है। आप कोई पूछेगा वह कैसे, मतलब यहाँ तो आया पर कैसे, मतलब ठीक है, तो हम कह सकते हैं ही केम हेयर सडनली, ठीक है, वो अचानक से आया। तो मतलब एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। अभी सिंपल था, अभी हमने जैसे की बात करी कि जो ये कह रहा है ही केम हेयर, ठीक है, अभी इतना सेंटेंस था कि वह यहाँ आया, ठीक है। कोई पूछे कैसे आया, मतलब जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, कितनी लेट आया, कैसे आया, कब, जो भी है बात, ठीक है। तो आपको बताने का तात्पर्य है कि अगर ही केम हेयर ये नॉर्मल है वर्ब, अभी इसे मॉडिफाई करने के लिए क्या आ गया यहाँ, सडनली। तो एडवर्ब जो होता है मॉडिफाई करता है वर्ब को, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ही केम हेयर सडनली, तो आप समझ गए होंगे कि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो सिंपल है, सडनली यहाँ पर एडवर्ब होगा। तो इस तरह से सेंटेंस में बना के आपको आना चाहिए गाइस। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, और आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश करी है गाइस। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके, और ऐसे ही आपको इस चैनल पर और वीडियो देखने को मिलेगी। अब आपका कल लास्ट है मेरे हिसाब से एग्ज़ाम जहाँ तक है, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी फेज़ टू से रिलेटेड आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, और आपकी 2020 की प्रिपरेशन अभी से शुरू करेंगे, और अच्छे से आपका एक एक सब्जेक्ट का कोर्स पूरा करेंगे गाइज। तो बने रहना चैनल के साथ, अपना कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट टॉपिक जो एग्ज़ाम के बाद किस, उस पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसी पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा, सारे डाउट अपने कमेंट भी का आप कर सकते हो गाइज। तो धन्यवाद चैनल से बने रहने के लिए, अपना सहयोग कुछ इसी प्रकार बनाए रखना, धन्यवाद।